शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। दिग्रस शहर से सटे अरुणावती डैम के चिरकुटा परिसर में मछुआरों का जीना मुहाल हो चुका है। लॉकडाउन के आगाज से लेकर अब तक उनके पास ना तो कोई कमाई का साधन है और ना ही अपने गांव जाने की कोई व्यवस्था। जैसे तैसे दिन काट रहे इन लोगों ने स्थानीय प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। दुनिया भर में जारी कोरोना संक्रमण समस्त मानव जाति पर मानो किसी अभिशाप की तरह मंडरा रहा है। इस तर्ज पर बात अगर दिग्रस शहर और आसपास के गांव कस्बों की जाए तो यहां का मंजर भी जुदा नहीं। शहर से करीब में स्थित अरुणावती डैम के चिरकुटा ग्राम परिसर के मछुआरों में बीते 3 माह से विकट स्थिति का सामना कर रहे हैं। मालूम हो कि बीते 3 से 4 सालों से चिरकुटा परिसर और पुराना दारवा रोड परिसर में करीब 15 से 20 परिवार खुले आसमान के नीचे अपना डेरा जमाए हुए है। इस साल बीते 3 महीनों से जारी लॉकडाउन की स्थिति ने इन परिवारों को बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। इन मछुआरों में से कई परिवार हिंगोली जिले से है। तालाबंदी की विकट घड़ी में इन परिवारों पर बेरोजगारी और जरूरी सुविधाओं के अभाव का पहाड़ टूट पड़ा है। ये लोग अपने गाँव वापस जाना चाहते है, पर इनके पास न तो पैसा है और न ही पर्याप्त साधन है। मालूम हो कि कथित करार के तहत वे यहाँ मछलियाँ पकड़ने के काम को अंजाम दे रहे थे। सूत्रों की माने तो मुंबई निवासी ठेकेदार बिलाल खान, तरुण शर्मा, फिरोज खान आदि यहाँ का ठेका चलाते हैं। बताया जाता है कि ठेकेदार स्थानीय परिसर में परंपरागत तौर पर बरसों से काम कर रहे मछुआरों को काम देने में आनाकानी करते हैं और बाहर के जिलों से काम के लिए लोग ले आते हैं। फिलहाल ठेकेदार के साथ काम कर रहे मछुआरे भी बाहर से आए हुए तो है, पर तालाबंदी के दौरान बाहर से आए मछुआरों के परिवारों की बुनियादी समस्याओं की कोई सुध लेता नहीं दिख रहा। मालूम हो कि बीते दिनों इन ठेकेदारों द्वारा यहाँ के मछुआरों के लिए तालाबंदी में अनाज वितरित करने के उद्देश्य से करीब 48 लोगों की सूची मंगवाई गई थी, पर अब तक किसी के पास कोई खाद्य सामग्री पहुंची ही नहीं है। नतीजन जैसे तैसे ये मछुआरे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इन बीसीएन से हुई बातचीत में इन लोगों ने अपनी समस्याओं से रूबरू करते हुए स्थानीय प्रशासन से सरकारी मदद की गुहार लगाई है। 4 वर्ष झाले आम्हाला धरा राहून सिनी माल सापडना, मला धंदा होईल आमचे लेकर बाळ तिकडे येत, पैसा नाही आतला नाही खर्चाला खात्याला। आम्हाला शासनाकडून मदत पाहिजे, आम्हाला काहीतरी असा पैसा आदला काही, आम्हाला सरकारकडून काही आम्हाला माशामध्ये काहीतरी जरा भावटा वाढून सिन थोडा जाळे बारताना आमचे असं वरून पाणी आलं, वरून जाळे फाटले, आमच्या जाळे नाही राहिले आमच्यापाशी खेळायला। अनाज असंच खातो, किलो दोन किलो मासे सापडतात तिथं आणतो खातो हाताला आणून सिन। गौरतलब है कि बरसात के मौसम में मछुआरों के यह परिवार आसमानी और जमीनी संकट का सामना कर रहे हैं। इनके पास न तो खाने पीने की कोई पर्याप्त सुविधा है, न ही रहने का कोई अच्छा इंतजाम है। ऐसे में जरूरी है कि सरकार सहित गैर सरकारी संस्थाएं भी इन्हें जल्द से जल्द मदद मुहैया की जाए, जिसके ये हकदार है। इन बीसीएन न्यूज के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।